जैसे तमाम आरोप आपने भाजपा सरकार पर लगाए हैं, आज उत्तर प्रदेश सरकार पर, केंद्र सरकार पर, आप लोगों पर भी आरोप है, विपक्ष पर आरोप है कि आप लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं, क्या है पूर्व कहना आपका? किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, उनकी आवाज दबने नहीं देगी। यह काला कानून है, इस बिल का विरोध आदरणीय राहुल गांधी जी ने पहले दिन किया था, संसद में किया था, सड़कों पर किया था, आंदोलन के माध्यम से किया था। कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में इस बिल का विरोध किया था, किसानों के साथ खड़े हैं, उनकी लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे और जब तक यह सरकार बिल विधेयक वापस नहीं लेती लड़ाई जारी रखी जाएगी। हम पूछना चाहते हैं योगी सरकार से, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि किसानों को मौलिक अधिकार है धरना देने का, आप कौन होते हैं जो लोग धरने पर बैठे हैं उन्हें नोटिस देने वाले? आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं, संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का नौजवान और किसान जानना चाहता है। 4 साल से फसलें बर्बाद हुई ओलावृष्टि अतिवृष्टि से, उत्तर प्रदेश के किसानों को मुआवजा कब मिलेगा? गन्ने का 12,000 करोड़ से अधिक का बकाया भुगतान है, किसान जानना चाहता है भुगतान कब मिलेगी? जैसे बीजेपी कह रही है कि उसमें जो किसान है उसमें किसान है ही नहीं, सब कांग्रेस के लोग हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि अगर किसान को कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी मानती है तो हमारे लिए ये गर्व का विषय है। हम किसान भी हैं, जवान भी हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं।